हेलो गाइस, ले आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है मैग्नाटन रूल। मैग्नाटन रूल यार फॉरेंसिक साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फॉरेंसिक साइकोलॉजी जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये रूल तो हमें पता ही होना चाहिए। तो आज पूरा डिस्कस करेंगे कि मैग्नाटन रूल होता क्या है, कि कैसे उसकी फॉर्मुलेशन हुई, कि भाई हमारे पास ये मैग्नाटन रूल आया कहाँ कैसे, और IPC के कौन से सेक्शन में हमारे पास इसका जिक्र होता है, कि भाई इस तरीके के सेक्शंस का किस में जिक्र होता है। चलो अगर मैग्नाटन रूल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे यार देखो दो चीज़ें लिखी हुई हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन 1843, है ना। इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन 1843 एंड इट टॉक्स अबाउट द सेन और इनसेन स्टेट ऑफ माइंड। सेन और इनसेन स्टेट ऑफ माइंड को जान लेंगे पहले, एंड देन उसके बारे में बात करेंगे कि ये बना कैसे। देखो सेन और इनसेन स्टेट ऑफ माइंड की सिंपल सी एक मैं बात करता हूँ, तो सेन साउंड, इसको ना हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साउंड स्टेट ऑफ माइंड और अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड। साउंड स्टेट ऑफ माइंड एंड अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, साउंड फॉर सेन एंड अनसाउंड फॉर हम बोल सकते हैं इनसेन। इनसेनिटी बोलते हैं ना, पागल हो गया बंदा, है ना। तो ये वाले सीन है, समझ में आती बात। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें साउंड या सेन स्टेट ऑफ माइंड की बात समझेंगे। देखो साउंड और सेन स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मुझे पता हो कि ये सही है या गलत है। समझ में आ रही बात, कि मतलब जो बंदा काम कर रहा है, अगर मैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाऊं तो कोई बंदा अगर क्राइम कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। मतलब अपने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में काम करना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वर्क और द एक्टिविटी ही और शी इज़ डूइंग। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने पूरे होशो आवाज में लिख रहा हूँ और ये बात सही है, मैं आपको पढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये सीन होना चाहिए कि सेन दैट इज़ साउंड स्टेट ऑफ माइंड और इनसेन जस्ट अपोजिट। कि भाई इसमें ना इनसेनिटी का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसेन स्टेट ऑफ माइंड या हम बोल सकते हैं अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड या इनसेनिटी, इनसेनिटी को समझेंगे। देखो इसके ना दो क्राइटेरिया हैं, या तो इनसेन हम तब बोलेंगे या तो उस बंदे को यह पता ना हो कि वो कर क्या रहा है। मतलब He or she does not know the nature of the work he or she is doing. मतलब उसको पता काम करे जा रहा है बट उसको पता नहीं है कि क्या काम कर रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, उसको या तो पता हो कि वो काम कर क्या रहा है। देखो पहले में तो या तो उसको पता ही नहीं होगा, दूसरी कंडीशन में इनसेन कब कंसिडर करा जा सकता है कि हमारे पास कि भाई वो काम तो कर रहा है और उसको ये पता है कि भाई वो क्या काम कर रहा है, बट वो ये नहीं जान पा रहा है कि जो वो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। देखो पहले और दूसरे में डिफरेंस है कि उसको यही नहीं पता पहले में तो वो काम क्या कर रहा है, दूसरे में उसको ये तो पता है कि वो काम क्या कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा हूँ, बट वो ये नहीं जान पा रहा है कि वेदर ही और शी इज डूइंग द वर्क इज राइट और रॉन्ग। कि उसका नेचर तो समझ में आ गया कि भाई क्या काम कर रहा है, पर उसका वो ये नहीं समझ पा रहा कि राइट है या रॉन्ग है, हमारे पास इफेक्ट किस पे पड़ेगा, क्रिमिनल इफेक्ट पड़ेगा या बुरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में तो ये पता ही नहीं कर पा रहा है कि काम क्या कर रहा है। तो दो तरीके के हमारे पास इंसैनिटी के वर्ड्स आते हैं, हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म इंसैनिटी और इनसेन स्टेट ऑफ माइंड। तो आप आई होप सो गाइस कि इंसैनिटी आपको समझ में आ गई होगी या इनसेन स्टेट ऑफ माइंड समझ में आ गया होगा या अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड समझ में आ गया हो कि भाई बंदा, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, कि नेचर ऑफ वर्क को ही नहीं समझ पा रहा कि दैट इज काम क्या कर रहा है। अगर वो काम को समझ गया, सेकंड पॉइंट इज दैट, अगर वो काम को समझ गया बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो काम या तो राइट है या रॉन्ग है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने में। समझ में आ रही बात, चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात कर लेते हैं कि सेन और इनसेन स्टेट ऑफ माइंड, क्लियर होगी बात। चलो अब अगर इनसेन और स्टेट ऑफ माइंड की बात क्लियर हो जाती है तो आ जाती है इसकी फॉर्मुलेशन कैसी हुई। देखो फॉर्मुलेशन जो है ना, ये मैग्नाटन रूल, ये मैग्नाटन किसी बंदे का नाम हुआ करता था, पूरा नाम है डेनियल मैग्नाटन। क्या नाम है? डेनियल मैग्नाटन। अब डेनियल मैग्नाटन ने क्या करा था कि उसको ये लगता डिल्यूजन्स आते थे। क्या आते थे? डिल्यूजन्स आते थे। डिल्यूजन्स होते हैं कि यार हमारे पास फॉल्स बिलीफ आना, फॉल्स बिलीफ इन द सेंस, उसको ऐसा लगता था कि जो यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके की प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के रॉबर्ट पील जो थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसको ये लगता था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको क्या कर रहे हैं यार,
प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, उनको इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स और रिलीजियस बिलीव्स, मतलब उनको डिल्यूजन्स आते थे, फॉल्स बिलीव्स आते थे, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मैकनॉटन की बात कर रहे हैं, डेनियल मैकनॉटन, डेनियल मैकनॉटन इज अ पर्सनैलिटी जो समझते थे कि यार जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम के रॉबर्ट पील, वो उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं हर जगह जहाँ पे जा रहे हैं। अब ये बताओ कि यार कोई बंदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साधारण बंदे को क्यों हमारे पास फॉलो करने आएगा, है ना। ये बात तो समझ में कि भाई इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो इस सिंपल बंदे डेनियल मैकनॉटन को फॉलो करने क्यों आएगा, प्रोसिक्यूशन करने क्यों आएगा। बट इसी को तो बोलते हैं फॉल्स बिलीफ, इनसेन स्टेट ऑफ माइंड, उसको फॉल्स बिलीफ आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, अब ना उसने क्या करा कि भाई इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन क्या करा कि भाई सोचा कि मैं उसको मार दूंगा, किसको, यूके के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील को। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या कि जो व्हाइट हॉल नाम की जगह है, एक व्हाइट हॉल नाम की जगह है, तो वहां पे एक एडमंड ड्रमंड नाम की पर्सनैलिटी थी। और एडमंड ड्रमंड कौन था, एडमंड ड्रमंड एक प्राइवेट सेक्रेटरी था, किसका, हमारे पास उस टाइम के यूके प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील का। समझ में आ रही बात, एडमंड ड्रमंड एक प्राइवेट सेक्रेटरी था उस टाइम के यूके प्राइम मिनिस्टर का, दैट इज रॉबर्ट पील का, ठीक है। तो अब वो डेनियल मैकनॉटन को क्या लगा कि वही बंदा कौन है, रॉबर्ट पील, मतलब उसको मिस आइडेंटिफिकेशन हो गई पर्सनैलिटी की, मिस आइडेंटिफिकेशन हो गई पर्सनैलिटी की, और उस बंदे ने रॉबर्ट पील समझ के जो एडमंड ड्रमंड था उसको शॉट कर दिया, उसको शॉट कर दिया, उसको गोली मार दी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए ना। तो और उसको लग रहा है कि उसने रॉबर्ट पील को मार दिया बिकॉज वो उसको तंग करता था, प्रोसिक्यूशन करता था, इल ट्रीटमेंट देता था, उसका फॉल्स बिलीफ है, डिल्यूजन है, ठीक है। अब अगर उसको बंदे को गोली लग गई, मान लो एडमंड ड्रमंड को गोली लग गई थी, अब एडमंड ड्रमंड को जब हॉस्पिटल में लेके गए थे तो डॉक्टर्स ने तो शुरू में तो यही बोला था कि एडमंड ड्रमंड बच जाएंगे। बट अगर हम बात कर लेते हैं एडमंड ड्रमंड की, तो एडमंड ड्रमंड की आफ्टर 5 डेज जब उनको शॉट हुआ था, मतलब बुलेट लगी थी, उसके 5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, उतनी बात समझ में आनी चाहिए कि 5 दिन बाद डेथ हो गई थी। अब देखो जो मैकनॉटन था, डेनियल मैकनॉटन की अगर हम बात कर लेते हैं, उस पर केस चला, भाई यूके के प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी को मारेगा तो केस तो चलेगा, सिंपल बंदे पे भी चलता है, तो केस चला। तो उस बंदे ने क्या बोला, बस थोड़ी सी लाइनें ही बोली कोर्ट में जाके कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन, ये रॉबर्ट पील, ये मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, फॉल्स बिलीव्स आते थे उसे, डिल्यूजन्स आते थे। तो ये बात प्रूव करनी पड़ी कि जो उसका वो है ना स्टेट ऑफ माइंड, वो इनसेन स्टेट ऑफ माइंड है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। समझ में आ रही बात, अब वो दोबारा ही वो बोल रहा है कि यार प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं इसलिए मैंने मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, गिल्टी है नॉट गिल्टी, उस समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये हो रहा था, जबकि हो नहीं रहा है, फॉल्स बिलीफ है, और वो जो काम कर रहा है उसको यही नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। समझ में आ रही है बात, दैट इज इट इज एन इनसेन स्टेट ऑफ माइंड। तो उस टाइम एक रूल बनाया गया, तो उसको नाम दे दिया गया क्या, मैकनॉटन, डेनियल मैकनॉटन के केस में बनाया गया था, तो नाम दे दिया गया मैकनॉटन रूल। समझ में आ रही बात, तो मैकनॉटन रूल एक्चुअली में कहता क्या है, सबसे पहले तो हम एक जो सस्पेक्ट है या हमारे पास गिल्टी जो भी है, मान लो कि क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, उसको लेके आए केस में, कोर्ट में लेके आए, तो उसकी पहले हम मेंटल स्टेट को चेक करेंगे, उसकी हम पहले मेंटल स्टेट को चेक करेंगे कि वेदर द मेंटल स्टेट इज सेन और इनसेन, साउंड और अनसाउंड, कि जो उसने काम करा है वो जानता तो है कि उसने क्या करा है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। अगर वो सेन है तो वो 100% गिल्टी है और 100% रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट क्रिमिनल एक्टिविटी। इतनी बात आपको ध्यान समझ में आनी चाहिए। अगर वो इनसेन है तो इंसैनिटी में या अनसाउंड माइंड में कोई भी पर्सन 100% गिल्टी नहीं होगा। अगर हाँ मान लेते हैं कि उसने वो काम कर दिया, बट उसको ना हमारे पास पनिशमेंट की जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है, उसके साउंड माइंड अनसाउंड माइंड को साउंड बनाया जाता है कि भाई ठीक है पहले सही तो हो बंदा, उसे पता तो लगे कि उसको किस बात की सज़ा मिल रही है, उसको पता ही नहीं है, नेचर ऑफ वर्क नहीं पता उसको, ना पता है कि उसने जो करा है वो सही है या गलत है। मतलब समझ रहे हो, आपके इंसैनिटी में या इनसेन स्टेट ऑफ माइंड में नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इफ इट इज फाउंड टू बी गिल्टी, इफ ही और शी इज फाउंड to be guilty then he or she can be sent to the rehabilitation center mein le jaya ja sakta hai, rehabilitation center mein le jaya ja sakta hai taki uske unsound mind ka sound matlab tak sound ban jaye bhai, wo treatment ho jaye uska, sound mind ban jaye usko, samajh mein aaye cheeze, itni baat aapko clear honi chahiye। ab dekho
इस ये जो मैंने आपको लाइन बोली कि भाई अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है और वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फुली, तो ये समझ में आती। अब ये चीज ना हमारे पास आईपीसी इंडियन पेनल कोड ऑफ सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड में लिखी हुई है कि भाई साहब नो पर्सनैलिटी और नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही और शी हैज कमिटेड द क्रिमिनल एक्टिविटी इन द केस ऑफ इनसेन स्टेट ऑफ माइंड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।